Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 1st English text chapter number 11, The Sun, The Moon and The Stars. So let's start. Students, बहुत ही interesting सा chapter है आपके लिए. आप सभी जानते हैं sun means क्या होता है? सूरज, जिससे कि हमें heat and light मिलती है. Moon, night में दिखाई देता है हमें ना कूलनेस लिए हुए. और स्टार्स भी होते हैं उसी के साथ में, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, काउंटलेस होते हैं. तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करते हैं. स्टार्ट करें. द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे. सन कब चमकता है, कब शाइन करता है स्टूडेंट? ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान. दिन के दौरान हमें सन दिखाई देता है ना इन द स्काई. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट. हीट मीन्स गर्मी. देखिए, जब भी विंटर होती है तो हमें सन की कितनी नीड होती है, हमें गर्मी चाहिए होती है, तो हम किससे लेते हैं? सन से लेते हैं ना. और लाइट यानी रोशनी भी देता है हमें ये. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. कि यह कहाँ पर, राइज मीन्स उगना. सन कहाँ पर उगता है स्टूडेंट्स? ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, यानी पूर्व दिशा. और सेट्स मीन्स छिपना. आपने देखा है सन का उगता भी है और छिपता भी है. तो जो राइज है मीन्स उगता है, वो कहाँ उगता है? ईस्ट में, यानी कि पूर्व दिशा में. और सेट्स यानी कि छिपना. तो कहाँ पर छिपता है? वेस्ट डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, डायरेक्शन फोर होती हैं. कौन कौन सी होती हैं वो? ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. ओके, बट जो सन है राइज होगा ईस्ट में एंड राइज कहाँ सेट होगा? वेस्ट में. ओके, द सन इज एक्चुअली अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. जो सन है, सूरज है, हकीकत में क्या है? एक बहुत बड़ा इसी बॉल है, एक ये आग की. बहुत ज़्यादा इसके पास गर्मी है, ठीक है ना, आग का गोला है ये. व्हेन इट सेट्स, जब ये छिपता है, द डे एंड्स, तो क्या होता है? डे एंड हो जाता है, यही दिन खत्म हो जाता है. एंड द नाइट बिगिंस, और रात की शुरुआत हो जाती है. देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर, सन इस तरीके से दिखाई देता है ना, कितना ज़्यादा शाइनी सा दिखाई देता है. और इससे हमें हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, और इसके लेकिन स्टूडेंट्स इसके में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हम इसके नज़दीक नहीं जा सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. और देखिए ये जब आप देखेंगे, जब ये उग रहा है, सेट हो रहा है, तो डे स्टार्ट होता है, यानी कि दिन होता है, रोशनी हो जाती है, तो उजाला हो जाता है, डे स्टार्ट हो गया. और जब इसका एंड होगा, देखिए सन जैसे ही सेट हो रहा है, यानी कि छिप रहा है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं स्काई का कलर भी रेडिश होता जा रहा है ना, वाइट नहीं रहा, एकदम लाइट नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा डाउन होता जा रहा है. और जो है स्काई का कलर ब्लैक भी नज़र आने लगा, ब्लैकिश नज़र आने लगा, मीन्स नाइट स्टार्ट हो गई है. नाइट बिगिंस, यानी कि रात की शुरुआत हो जाती है ना. नाउ द मून शाइन्स इन द नाइट. मून जो है किसे कहते हैं? चांद को, चंद्रमा जिसे बोलते हैं हिंदी में. चांद जो है कब चमकता है? रात में. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. देखिए जिस तरीके से सन की तो अपनी लाइट होती है, जिससे कि हमें भी मिलती है लाइट, बट मून की अपनी लाइट नहीं होती है, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है. इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. ये किसकी शाइन से चमकता है, इसकी किसकी रोशनी से होता है ये शाइन? सन की से. सन इसे अपनी रोशनी देता है. ओके, द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट. कि जो मून है एवरी नाइट, इसकी शेप्स चेंज होती हैं. कभी आप देखते हैं स्टूडेंट्स स्काई में मून को, कभी ये फुल दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी इसकी रिंग शेप होती है. देखी होगी ना आप लोगों ने, अगर नहीं देखी तो ये देखिए पिक्चर में आपको शो करती हूँ. देखिए कभी आपको हाफ मून दिखाई दे रहा है, कभी फुल मून दिखाई दे रहा है, कभी थोड़ा सा कट दिखाई दे रहा है ना, कभी रिंग शेप लिए हुआ है. इस तरीके से मून की शेप्स एंड साइजेस एवरी नाइट चेंज होती रहती हैं. ओके, समटाइम्स इट इज़ फुल एंड समटाइम्स इट इज़ हाफ. कि कभी कभार ये फुल होता है और कभी ये हाफ भी होता है, दिखाया भी आपको मैंने पिक्चर में. द फुल मून इज़ राउंड एंड वेरी ब्राइट. जो फुल मून है बहुत ही राउंड सा होता है और बहुत ही ब्राइट होता है, चमकीला होता है ना. आपने सभी ने देखा होगा नाइट में फुल मून कितना ब्यूटीफुल नज़र आता है.
एट नाइट वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई, रात के समय हम स्काई में बहुत सारे स्टार्स भी देखते हैं, तारे भी देखते हैं, हमें नज़र आते हैं ना। दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, कि रात के समय में हम स्टार्स को भी देखते हैं स्काई में, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नज़र आते हैं, छोटे नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ वो हमसे बहुत दूर हैं, है ना। कोई भी चीज़ हमसे बहुत दूर होती है, हमें छोटी नज़र आने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो स्काई है तो बहुत ही दूर है हमसे, तो हम अर्थ पे रहते हैं और स्काई तो आपने देखा कितना ऊंचा है हमसे, तो वहीं पर स्टार्स हैं और स्टार्स जो हमसे इतने दूर होने के कारण हमें बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। एक्चुअली दे आर वेरी बिग इन साइज, वास्तव में हकीकत में ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। वी कैन नॉट काउंट द स्टार्स, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। दे आर मैनी इन नंबर्स, ये बहुत सारे होते हैं नंबर्स में, इनकी जो आप देखें स्टार्स देखे होंगे आपने स्काई में, तो बहुत से नज़र आते हैं ना, देखिए इस तरीके से होते हैं स्टार्स, देखे होंगे ना स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं, बट कितने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये हमसे बहुत दूर हैं, दे आर फ्रॉम अस। द स्काई लुक्स ब्यूटिफुल एट नाइट, तो नाइट में जो स्काई है बहुत ही ब्यूटिफुल नज़र आता है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए मून नज़र आता है हमें शाइन करता हुआ, स्टार्स नज़र आते हैं छोटे छोटे से, तो बहुत ही ब्यूटिफुल सा सीन होता है, इस तरीके का कुछ सीन नज़र आता है हमें, है ना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये सीन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये आपका स्टार मून्स एंड सन का जो चैप्टर था यहीं कंप्लीट होता है। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स टाइम, सन सूरज, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, फायर आग, नाइट रात, डे दिन, मून चांद, स्टार तारे, शेप आकार या आकृति, ब्यूटीफुल सुंदर। ओके ये इससे रिलेटेड जो न्यू वर्ड्स थे आपके, उनका मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बताया। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम, फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर वन, द सन राइजेज इन विच डायरेक्शन, वी वेस्ट, बी साउथ, सी ईस्ट। राइट आंसर इज सी ईस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ अ लाइट, बी फायर, सी गैसेस। राइट आंसर इज बी फायर। क्वेश्चन थ्री, मून शाइन्स बिकॉज ऑफ अ लाइट, बी ओन लाइट, सी लाइट ऑफ द सन। राइट आंसर इज सी लाइट ऑफ द सन। ओके नाउ क्वेश्चन आंसर टाइम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, इसमें क्वेश्चन वन, Where does the sun rise? Answer, the sun rises in the east. Question number two, What does the sun give us? Answer, the sun gives us heat and light. Question number three, When does the sky look beautiful? Answer, the sky looks beautiful at the night. Now question number three, Fill in the blanks using the words given in the picture. आपको देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है एक, इसमें आपको वर्ड्स दिए हैं, प्रॉपर वर्ड सेंटेंस में फिल करना है जो इसका प्रॉपर वर्ड होगा। ओके नंबर वन, द डैश गिव्स अस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट कौन देता है स्टूडेंट्स हमें, सन, तो फर्स्ट वाले में हम क्या फिल कर देंगे, सन। नंबर टू, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ अ डैश, सन किसकी बॉल है, ह्यूज फायर, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, फायर। नंबर थ्री, द डैश डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, किसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती है, मून की, तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे नंबर थ्री में, मून। नंबर फोर, द स्काई लुक्स डैश एट नाइट, स्काई कैसा दिखाई देता है एट नाइट, ब्यूटीफुल, तो हम क्या फिल कर देंगे फोर्थ में, ब्यूटीफुल। रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, वन में फिल करेंगे आप सन, टू में फायर, इन थ्री मून, फोर्थ ब्यूटीफुल। ओके नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके आपको अपोजिट बताने हैं,
नंबर वन पे है डे, इसका होता है नाइट, स्पेलिंग होगी NIGHT नाइट। सेकंड है राइज, RISE राइज, राइज का होगा सेट, SET सेट। थर्ड ह्यूज, स्पेलिंग इसका अपोजिट स्मॉल, स्पेलिंग होगी SMALL स्मॉल। फोर्थ नंबर पे है बिगिन, इसका अपोजिट होगा एंड, स्पेलिंग END एंड। और नंबर फाइव पे है फुल, तो इसका अपोजिट होगा स्टूडेंट्स एम्प्टी, एम्प्टी की स्पेलिंग होगी EMPTY। ओके, स्पेलिंग्स इनकी इसलिए बताइए स्टूडेंट्स, कहीं आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ ना आए तो आप मिस्टेक ना करें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन एंड बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। वीडियो के बाद में आपको इसका PDF मिलेगा, तो आप अपनी नोटबुक में इसे कर लीजिएगा। इसी के साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, आपको अपने जितने भी चैप्टर्स का वीडियो और PDF आया है वो वीडियो देखते हुए और उनके PDF को अपनी नोटबुक में कर लेना है, कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स सभी को अपना वर्क नोटबुक के अंदर। इंग्लिश टेक्स्ट का जो सारा वर्क है आपका विद पिक्चर्स भी मैंने आपको सेंड की हैं PDF में, तो वो आपको सारी पिक्चर्स नोटबुक में ही चैप्टर के साथ साथ बनानी भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का जो चैप्टर है वो समझ आया होगा, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप इसे सेल्फ भी रीड कीजिएगा। ओके सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।